कार्तिक जी, आज लक्ष्मी नहीं आई है तो आप मुझे झूला झूला दीजिए ना। अब लिपिका रुको, तुम उस वाले झूले पे जाके बैठ जाओ ना, ये बड़ा वाला झूला है, यहाँ मंगल बैठेगी। आओ मंगल, बैठो। सौम्या जी, आप भी तो नहीं झूली हैं, आप झूल लीजिए थोड़ी देर। नहीं मंगल, तुम आओ बैठो, आदित्य कब से इंतजार कर रहा है तुम्हें झूला झुलाने के लिए। मंगल आओ। आदित्य आओ। आदित्य आदित्य उसी को झूला झुलाएगा जो उसका सच्चा जीवन साथी है, जो उसका सहारा है। सहारे के नसीब में अब लाठी का सहारा ही होगा आंटी जी। अदित जी, आपको मुझसे बहुत शिकायतें हैं मैं जानती हूँ, लेकिन जल्द ही मैं सब दूर कर दूंगी। ईशाना को डांस प्रतियोगिता में जिताकर आपका सर गर्व से ऊंचा करूंगी। अब टूटा। 5, 4, 3 बस बस हो गया, ये तो बच गई। स्वामी जी आप आइए ना, आप झूलिए। नहीं मंगल, इट्स ओके। मंगल, बॉबी, मंगल, 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 ये क्या हो गया? मामा, दीदी, मंगल तुम ठीक तो हो ना? मंगल, मामा, उठो। ये तो बहुत खून बह रहा है। अरे जल्दी करो, कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाँ। अरे यार किसी डॉक्टर का फोन ही नहीं लग रहा है। भैया मैं डॉक्टर मोवानी को फोन करता हूँ, उसी ने डॉक्टर। मंगल थोड़ी देर और सहन कर लो, बस डॉक्टर आता ही होगा। मेरी खुशी तो अधूरी थी लक्ष्मी और दमाजी के झूला ना झूलने से, तो अब तो ये आ गई है, क्यों ना हम इनकी रसम हम अब पूरी कर ले, क्यों अम्मा? हाँ मंगल, दीदी वो सब तो होता रहेगा ना, चलिए पहले आप आराम करिए। बिल्कुल सही कह रही है लक्ष्मी, आपको आराम करना चाहिए। अरे तुम दोनों मंगल के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये नहीं सोच रहे कि उसका दुख कैसे कम हो। एक तो बेचारी का पैर टूट गया, ईशाना के साथ डांस नहीं कर पाने का दुख, लक्ष्मी और कार्तिक का सावन नहीं मना पाने का दुख। तुम
दोनों इतना नहीं कर सकते उसके लिए? 2 ही मिनट लगेंगे, है ना मंगल? बिल्कुल सही कहा आपने बुआ जी। इनको साथ झूला झूलते हुए देखकर मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। लक्ष्मी रुक जाना मेरी खातिर। हाँ लक्ष्मी। बहादुर बच्ची, मैं जानती हूं मन ही मन बहुत बुरा लग रहा होगा तुझको। सॉरी बेटा। अरे वाह वाह वाह, सारे हस्बैंड को ऐसा करना था, कितना अच्छा लग रहा देखो। जी जी, अब मुझे घर जाना चाहिए। एक्चुअली मुझे अभी भी याद आया, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स मुझे मेल करने हैं। क्या भाभी, पिछली पूजा में आपको सरदर्द हो रहा था इसलिए जल्दी निकल गई, और आज आपको मेल करना है इसलिए जल्दी जा रही? वो जी, निकलना तो हम सबको चाहिए अब। भाभी को आराम करने देते। पापा। हाँ बेटा, मैं और माई गाड़ी में निकलते, आप लोग दूसरी में आ जाइए। ठीक है। हाँ लक्ष्मी, तुम मंगल भाभी के पास रुक जाओ, उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। अब आप मेरी बात सुनिए जीजी। आपने मंगल को अपने तरीके से ढाला है। मंगल किस तरह अपने रिश्तों के दायरों में रहकर चीजें संभालते हैं, ये आपने उसको सिखाया है। अब आप मुझे भी अपनी बहू को अपने तरीके से सिखाने दीजिए। हाँ हाँ कार्तिक बेटा, हम सब है ना मंगल का ध्यान रखने के लिए। तुम सबको रुकने की कोई जरूरत नहीं है, लक्ष्मी के साथ तुम लोग जाओ। हाँ कार्तिक, वैसे भी लक्ष्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है, घर जाकर थोड़ा आराम कर लेगी, और मुझे जरूरत होगी तो लक्ष्मी मैं तुझे बुला लूंगी। हाँ अगर किसी को रुकने की जरूरत है तो लिपिका रुक सकती है। वैसे भगवान सबको स्वस्थ रखे, अभी असली सारे कार्यक्रम तो बाकी हैं, सारी रस्में बाकी हैं ना, मंगल और अदित की शादी की वर्षगांठ की रस्में, उस सब के लिए सबको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जाओ जाके आराम करो। आप अपना ख्याल रखिएगा। तुम ही रखना। कि आपने सजा दी लक्ष्मी को, और इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता है कुछ? अभी सब लोग आते होंगे, मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था, और मैं फोन करने के लिए बाहर आ गया और मैंने सब सुन लिया। माँ भी सही नहीं कर रही, मेरी वाइफ को इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है और इस बारे में मुझे नहीं पता। क्या पता थी? ये लड़की जब भी अपनी बहन से मिलने जाती है तो हमारे दोनों परिवारों के बीच कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। कैसे? देखो कार्तिक, मुझे पता नहीं तुमने नोटिस किया है या नहीं, मगर मैंने किया है। लक्ष्मी के दिमाग में हर वक्त कुछ ना कुछ चलता रहता है, उल्टा सीधा, जैसे कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं कोई परेशान कर रहा है, हर चीज को बस शक की नजरों से देखती है ये, और इसी के कारण हमारी रिश्तों में दरार पड़ रही है। और कैसे ना रोकूं इसे मैं, बताओ? तुमने भी देखा नहीं, आते ही इसने कहा कि मंगल दीदी को किसने गिराया, रस्सी ऐसे टूटी है वैसे टूटी है, जो किसी को नहीं दिखाई देता वो इसे दिखाई देता है। माँ लेकिन आपने देखा ना कि रस्सी
रस्सी कैसे टूटी? जैसे किसी ने काटी हो। देखा तुमने, हर चीज इस लड़की को अबनॉर्मल लगती है, और इसकी इसी एटीट्यूड की वजह से तुमने आदित्य पे शक किया और मंगल से सवाल पूछा। आ गए ना इसके झांसे में, और क्या हुआ, मंगल ने तुम्हारी इंसल्ट की जो आज तक कभी किसी ने नहीं की। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ, मेरी कोई इंसल्ट नहीं हुई थी। मैंने बताया ना आपको, मैंने ही मंगल भाभी को जानबूझ के उकसाया था, और इसमें लक्ष्मी की क्या गलती है? और वैसे भी वो मंगल भाभी है मेरी, अगर वो मुझे थप्पड़ भी मार देती ना तो मुझे बुरा नहीं लगता। मेरे दिल में उनके लिए उतना ही प्यार है, उतना ही रिस्पेक्ट है जितना आपके लिए है माँ। और माँ, अगर आप इस बात पे लक्ष्मी को ये सजा दे रही है ना, तो ये सही नहीं है। आप दो बहनों को मिलने से कैसे रोक सकती है माँ, जब आपका खुद अपनी बहन के साथ एक करीबी रिश्ता है। आप लोग हर चीज डिस्कस करते हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में दूसरे का साथ देते हैं। कोई भी त्योहार हो, कोई भी फंक्शन हो, आप मिल बांट के एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो आप भला खुद लक्ष्मी को कैसे रोक सकते हैं उसकी बहन से मिलने के लिए? एनीवेज माँ, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे जाने दीजिए। आपने लक्ष्मी को रोका है ना, अब आप ही लक्ष्मी को मंगल भाभी और आदित्य भैया की वेडिंग एनिवर्सरी में जाने की परमिशन देंगी ना आप?